1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है और मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैन्य स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था।